भाई जी ने सासरे भेजा, जब भाई जी 80 किलो रहा और भाई जी वापिस पियर आया तो भाई जी 35 किलो रहा। मावड़ी पूछू, बेटा तू गई जब तो लूणी रा रसगुल्ला वेजाड़ी ही, आई जब बीकानेर रा पापड़ वेजी, यूं थाकी थाकी की कर गई। मामलो के है वाह बेटी, आपने माता जी ने इतनी बढ़िया बात कही, क्योंकि घराना की ही कि मारे देवर जी बढ़िया, मारे देवरानी बढ़िया, मारे जेठ जी बढ़िया, मारे जेठ रानी बढ़िया, मारे सासू जी बढ़िया, मारे ससुर जी बढ़िया, और मारा घरवाला तो राम जी कम नहीं है, वे भी बहुत ही बढ़िया। तो क्यों थाकी? मामलो के है कि मैं नहीं नहीं गयोड़ी, थारे पावनारी आदत गड़बड़ है। गड़बड़ का ही है कि वे फैमिली माते नरेगा में जावे। ये बेटा नरेगा में तो सब दुनिया जावे, लेकिन नरेगा में जावे काटक काया होयोड़ा आवे दरवाजे मुंडे आवता एक ही बात कहे, मारे वास्ते आटो गूंद न, गर्मा गर्म रोटी बना दीजिए, नहीं तो कोई भी काम बढ़ावे, नहीं तो, नहीं तो मन मारी, नहीं तो मन कूटी, नहीं तो मन तलाक दई, नहीं तो कहीं कहीं करी। इन वास्ते मावड़ी में 80 किलो री 35 किलो होगी। मावड़ी के बेटा कहीं इतनी बात, अगली बार धने पावना पूछ लेवे, नहीं तो कोई भी काम केवे, नहीं तो तू थारे पूछ लीजे कि भाई नहीं तो थे कहीं करो, के तो मारो, के कूटो, के तलाक देवो, घर भेजो, बाकी कहीं करो, जो फैसलो तो हो जाई। बाकी वे हां मावड़ी आ तो बात सही है। वापिस थोड़ा दिन के बाद में वापिस आई पियर सु सासरे, पर बंदारी भाई आदत पड़ियोड़ी, फैमिली माते गयोड़ो काटो कायो होयोड़ो दरवाजे मुंडे आयो, आवता एक ही बात केवे, मारे वास्ते आटो गूंद गर्मा गर्म रोटी बना दीजिए, नहीं तो घराना की ही घराना की घराना गम खाई ली। कोई बात नहीं, एक बार कह दियो, दूसरी बार और कह दियो, मारे वास्ते बढ़िया आलू और बैंगन काट तरी वाली सब्जी बना दीजिए, नहीं तो फिर भी घराना की ही गम खाई ली। और तीसरी बोली सरकार में खत्म हुए, तीसरी बार और क्योंकि मारे वास्ते स्नान करने वास्ते गर्मा गर्म पानी कर दीजिए, नहीं तो, नहीं तो कह तो वा वापिस फिरी, फिर न केवे नहीं तो कहीं करो, बोलो बताओ, नहीं तो कहीं करो, कह दो कहीं करो, बोलो कर कहीं ठंडा पानी करो, आज क्यों कर। तो थे भी जय नहीं बोलो तो मैं आशा जी वैष्णव खड़ा हो भजन गवावा। तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा आशा जी वैष्णव के लिए, जोरदार ताली बजा के अभिवादन करें। साथ ही साथ आदरणीय माननीय पाली शहर से पधारे हुए महेंद्र सिंह जी राठौर साहब के लिए भी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर वातावरण बना के दिया और उन वातावरण को ऊंचाइयां देते हुए आशा जी वैष्णव आपके समक्ष बिल्कुल मां शारदा के सुशील पुत्रों से निवेदन।